You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। साउथ कोरिया का अपबिट सीवियर डिसरप्शंस फेस करता है क्योंकि फेक एपीटी टोकन्स प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। बिटमेन कोर साइंटिफिक में $53.9 मिलियन इन्वेस्ट करता है माइनिंग ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए। क्रिप्टो डेवलपर्स के कंधों पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी राइज करना जारी रखती है। क्रिप्टो फंडिंग स्टार्टअप $115 मिलियन रेस करते हैं अक्रॉस गेमिंग कस्टडी और इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज। टेरा क्लासिक कम्युनिटी USTC के होल्ड के लिए प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। फॉर्मल डुस्से बैंक एग्जीक्यूटिव क्रिप्टो फ्रॉड चार्जेस को गिल्टी प्ली करता है। वैल्करी बिटकॉइन फ्यूचर्स ETF के अक्टूबर लॉन्च को आय करती है। कॉइनबेस को बिटकॉइन का लार्जेस्ट होल्डर ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है। SBF अपने एक्स गर्लफ्रेंड को FTX क्रैश के लिए ब्लेम करते हैं। आर्बिट्रम अपने ऑन चेन परफॉर्मेंस को अपस्टेप करता है क्योंकि लेयर 2 वॉर्स इंटेंसिफाई होते हैं। 200,000 से अधिक चिलियंस वर्ल्ड कॉइन के लिए साइन अप करते हैं। वीकेंड हाइप के बावजूद डोजकॉइन की प्राइसेस मूव नहीं करती है। अपबिट जो कि साउथ कोरिया का फॉर्मेस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उसने सारे विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स एप्टोस के नेटिव टोकन APT के बंद कर दिए जबकि उन्हें पता चला कि काउंटरफिट APT टोकन्स के लिए फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी देखी गई है 24 सितंबर को। कोर साइंटिफिक जो कि एक प्रोमिनेंट प्लेयर है हाई परफॉर्मेंस ब्लॉकचेन कंप्यूटिंग डेटा सेंटर्स और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में उसने रिवील किया कि बिटमेन डिजिटल करेंसी माइनर सर्वर्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो एक सिग्निफिकेंट $53.9 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाला है। ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी अभी क्रिप्टो डेवलपर्स के शोल्डर्स पर राइज करना जारी रख रही है। चेनलिंक इस वे को लीड करते हुए ब्लॉकचेन बेस्ड ओरेकल सॉल्यूशन बना रहा है। ये क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट करंटली अलग अलग ग्लोबल पार्टनर्स के साथ बनाया जा रहा है इंक्लूडिंग स्विफ्ट। जैसे कि समर सीजन ऑफिशियली कंक्लूड करता है सैटरडे को क्रिप्टो के लिए फंड रेजिंग प्रॉमिसिंग लग रही है। 11 क्रिप्टो स्टार्टअप्स को कम्बाइंड टोटल $115.5 मिलियन की फंडिंग मिली अलग अलग डोमेन्स में जैसे कि गेमिंग जिसने टॉप किया फंडिंग में। रिसेंट डेवलपमेंट में टेरा लूना क्लासिक कम्युनिटी ने वोट किया है सारे मिंटिंग और रीमिंटिंग टेरा क्लासिक USD को स्टॉप करने के लिए जो कि USD का अल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन था। यह मूव तब होता है जब टेरा का इकोसिस्टम वैल्यू $45 बिलियन से प्लमिट करता है। रैश और असल जो कि एक फॉर्मर इन्वेस्टमेंट बैंकर है और रजिस्टर्ड ब्रोकर है डोस्चे बैंक के लिए वो गिल्टी प्लीड किया गया है चार्जेस में इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और इन्वेस्टर्स को स्विंडल करने के लिए नई क्रिप्टो स्कीम्स के लिए। एक्स डूजे एग्जीक्यूटिव को अब 30 ईयर्स की जेल भी प्राप्त हो सकती है। जिम स्टेफर्ट के द्वारा किए गए लेटेस्ट ट्वीट्स में रिसर्च एनालिस्ट ने यह बताया कि वेलकरी अपने बिटकॉइन फ्यूचर्स ETF की डेट को लेवरेज करेगा। इस प्रोडक्ट का फाइनल फाइलिंग 15 मई को किया गया था जबकि एसेट मैनेजर फर्म ने यह कहा है कि वो अक्टूबर 20 को नई लॉन्च डेट सेट कर रहे हैं। कॉइनबेस अब $25 बिलियन वर्थ के बिटकॉइंस को होल्ड करता है जो कि 5% है टोटल क्रिप्टोकरेंसी की सप्लाई का। ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म आर्कम इंटेल ने 22 सितंबर को रिवील किया कि US बेस्ड क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस करंटली 1 मिलियन बिटकॉइंस के आसपास होल्ड करता है अपने वॉलेट्स में।